हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू थिंक लाइक ए कोडर। आज के वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस कराने जा रही हूँ, जो कि है मैप, अनऑर्डर्ड मैप इन सी प्लस प्लस। सो आज का वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज के वीडियो में आप बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखोगे, प्लस मैं सारे कॉन्सेप्ट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ एक्सप्लेन करूँगी, जो कि आपको इंटरव्यू एंड ऑनलाइन कॉन्टेस्ट में काफ़ी हेल्प करेगा। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस चैनल के बारे में कुछ जान लेते हैं। सो दिस चैनल इज ब्रॉट टू यू बाय न्यूटन स्कूल। न्यूटन स्कूल एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो कि आपको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब मिलाने में हेल्प करती है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम एक बार क्विक इंट्रो देख लेते हैं न्यूटन स्कूल का, न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पर जा करके। सो चलते हैं न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पे। अगर आपको मेरे साथ चलना है तो आप डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पे क्लिक करके न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पे आ सकते हो। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 0 फी टिल प्लेसमेंट एंड अप्लाई फॉर फ्री ट्रायल। सो एटलीस्ट आपको फ्री ट्रायल तो लेनी ही चाहिए। एंड ऑफ कोर्स आप यहाँ पे आकर देख सकते हो कि हमारे मेंटर कौन से कंपनीज में काम करें, जैसे कि गूगल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, गोल्डमैन सैक हो गई, प्लस यहाँ के जो प्रीवियस स्टूडेंट है उसका फीडबैक भी आप देख सकते हो। अभी आप एक बार इस वेबसाइट पे आकर के ज़रूर विजिट करना। मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। आई एम करंटली वर्किंग एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर टू एट वॉलमार्ट ग्लोबल टेक इंडिया। मैं अभी वॉलमार्ट ग्लोबल टेक इंडिया में सॉफ्टवेयर इंजीनियर टू हूँ। एंड मैं लास्ट 4 ईयर्स से सी प्लस प्लस यूज कर रही हूँ फॉर डिफरेंट पर्पस, लाइक कंपेरेटिव प्रोग्रामिंग, DSA। एंड मैं सी प्लस प्लस लैंग्वेज यूज करके बहुत सारी कंपनी का ऑनलाइन टेस्ट क्वालिफाई करी हूँ, जैसे कि गूगल हो गई, अमेजोन हो गई। वीडियो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा डिले नहीं करते हैं। चलो वीडियो में देख मैं बताती हूँ कि मैप क्या होता है एंड अनऑर्डर्ड मैप क्या होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैप जो होती है ना, जैसे कि मैप क्या होता है, ये की वैल्यू पेयर के टर्म में एलिमेंट को स्टोर करता है। एलिमेंट हैज की वैल्यू एंड मैपिंग वैल्यू। अब क्या होता है कि जब हम लोग मैप यूज करते हैं, तो जब भी कुछ भी एलिमेंट उसमें डालते हैं, तो उसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, लॉग ऑफ एन होता है। लेकिन अनऑर्डर्ड मैप में क्या होता है, वही चीज़ ओ ऑफ वन होता है। जैसे कि अगर आपको ऐसा कुछ स्टोर करना है कि 1 के साथ आपको 2 स्टोर करना है, तो आप मैप का यूज कर सकते हो। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रही हूँ कि मान लेते हैं कि आपके पास आप कॉलेज में पढ़ते होंगे या कभी स्कूलिंग करे होंगे, तो उस टाइम में आप देखे थे कि सारे स्टूडेंट का एक रिपोर्ट कार्ड होता था। तो अगर टीचर्स ऐसा चाहे कि मैं क्या करूँ ना, ऐसे स्टूडेंट का ना रिपोर्ट कार्ड के साथ बाइंड कर दूँ, तो जैसे उसके पेरेंट्स पूछे कि इस नाम के स्टूडेंट का रिजल्ट क्या है, तो मैं डायरेक्टली उसे रिजल्ट बता सकूँ। तो इस कारण से क्या होता है, मैपिंग यहाँ पे यूज करता है। मतलब क्या हुआ कि उस स्टूडेंट, जैसे कि राम को ना राम के रिजल्ट से मैप कर दिए। तो अब यहाँ पे यही आपको पास समझ में आ गई। एंड अब मैं बताती हूँ कि वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना अनऑर्डर्ड मैप का क्या हो जाता है, ओ ऑफ एन हो जाता है। लेकिन 99.9% ऑफ टाइम में ओ ऑफ वन ही होता है, लेकिन 0.001% केस में ये ओ ऑफ एन हो जाता है। ये क्यों होता है, ये होता है कोलिजन के कारण। कोलिजन के कारण समझे क्यों, क्योंकि मान लो ऐसा कुछ होता है कि एक ऐसा मान लेते हैं कि राम कुछ ऐसा मान लो, राम का एग्जाम्पल हटाओ, ये दूसरा एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, ये कोई मैपिंग है। इसमें क्या हो रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ ना कि एक ए के साथ ना वन को मैप करी, फिर क्या हो जा रहा है कि फिर से ए के साथ टू मैप हो जा रहा है, फिर से ए के साथ 3 मैप हो जा रहा है। तो इस केस में कोलिजन होता है। या तो अब समझ में आ रहा है आपको यह बात, तो चलो मैं कोड करके बताती हूँ, क्योंकि कोड करके बताने में आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि आपको तभी समझ में आएगा जब आप लास्ट तक देखोगे। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैप का यूज़ कैसे करते हैं, मैप का सिंटेक्स क्या होता है। तो मैप को सिंपल ऐसे लिखते हैं, एंड आपको पहला वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, कोई भी डेटा टाइप ले सकते हो आप, इंट, कैर, फ्लोट, स्ट्रिंग, कुछ भी ले सकते हो। चलो मैं इंट ही लेती हूँ, चलो मैं स्ट्रिंग लेती हूँ, एंड दूसरा मैं लेती हूँ इंट। एंड अभी मैं इसको क्या करती हूँ, पहले मैं अनऑर्डर्ड मैप बताती हूँ, तब बताऊँगी मैप। तो अनऑर्डर्ड मैप बता रही हूँ, क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें मैं क्या कर रही हूँ,
यू मैप, इसमें मैं ये करना चाह रही हूँ कि स्टूडेंट का ना उसका रिपोर्ट कार्ड के साथ मैं मैच करूँगी। तो अब देखो मैं क्या करूँगी, यू मैप ऑफ राम, तो राम का क्या हो जाएगा, R A M, राम। ये कितना है, इसको ना 90% नंबर आया, चलो 90 डाल दी मैं। फिर यू मैप ऑफ अमृत, इसको ना 80% नंबर आया, तो मैं 80% डाल दी। अब जैसे ही ना टीचर को बताना होगा उसके पेरेंट्स को कि राम का रिपोर्ट कार्ड का राम का कितना मार्क्स आया है, तो टीचर क्या करेगी, डायरेक्ट ये बता देगी, सी आउट राम का नंबर। चलो मैं प्रिंट के दिखाती हूँ। सो आप देख सकते हो यहाँ पे कि क्या हुआ, कि जैसे ही यू मैप राम लिखी टीचर, तो राम का परसेंटेज आ गया। अब मुझे ना सबका परसेंटेज प्रिंट करना है, इसके लिए मैं क्या करूँगी, इसके लिए मैं फिर से वही काम करूँगी। चलो बताती हूँ, मैं करके दिखाती हूँ। जो मैं सेट में करी थी, मतलब ऑटो में ली, यहाँ पे इटरेटर का मैं यूज करी, और यहाँ पे क्या होगा, यू मैप डॉट बिगेन हो जाएगा, एंड IT नॉट इक्वल टू यू मैप। ये मैं आपको पहले सेट के वीडियो में बता चुकी कैसे इटरेटर का यूज करते हैं, तो मैं दोबारा नहीं बता रही। अब अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप जा करके वो वीडियो फिर से देख लो। ये हुआ, अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सी आउट, एंड जब IT डॉट फर्स्ट लिखूंगी ना, तो ये क्या बताएगा, इसका नाम, मतलब राम का नाम बताएगा। एंड IT डॉट सेकेंड लिखूंगी मैं, उसका मार्क्स बताएगा। चलो मैं प्रिंटर का दिखाती हूँ। आपको एक बात समझ में आ रहा होगा कि मैं फर्स्ट कैसे ली हूँ। मैं पहले क्या की हूँ, माइनस साइन डाली हूँ, उसके बाद मैं क्या करी हूँ, लेस देन का साइन डाली हूँ। आप ये जो आपका लेस देन साइन होता है, ऐसे ही किया जाता है इसमें। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अमृत के साथ 80 हैश्ड है, एंड राम के साथ 90 हैश्ड है। तो ये कर दिया यहाँ पे आप, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी आई थिंक। अब मैं क्या करना चाहती हूँ ना, मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि मैं ना मैप लेके बताना चाहती हूँ कैसे मैप वर्क करेगा। कि अब मैप क्या करता है ना, कि सॉर्टेड ऑर्डर में एलिमेंट को लेता है। चलो मैं इंट लेती हूँ यहाँ पे, एंड यहाँ पे ना राम में नहीं करना चाह रही हूँ, मैं क्या करना चाह रही हूँ कि कुछ एक नंबर 31 है, इसके साथ मैं इसको मैप कर रही हूँ। कोई नंबर है 1 है, इसके साथ मैं ये मैप कर रही हूँ। मैं कुछ ऐसा बताना चाह रही हूँ कि फर्स्ट स्टूडेंट का रोल नंबर 80 है, 31 स्टूडेंट का रोल नंबर 90 है, तो ऐसे मान के चलो आप। तो अब देखना, ये पहले क्या प्रिंट किया, पहले 1 वाला का प्रिंट किया 180, एंड दूसरा प्रिंट किया 990 प्रिंट किया 31 वाला का। तो ये पता है ऐसा क्यों हो जा रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैप जो है ना, उसका की जो होता है की, वो सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर्ड होता है। अब इसमें ना मैं वो सारा काम कर सकती हूँ जो मैं आपको सेट में बताई थी। तो मैं चेक कर सकती हूँ कि ये पर्टिकुलर की है या नहीं है। तो कैसे करूँगी मैं, इफ़ मैप, यू मैप ही चलो लेके चलती हूँ, यू मैप डॉट फाइंड, यू मैप डॉट फाइंड क्या कर रही हूँ मैं, 80, 80 नहीं, कीज 1 है, नॉट इक्वल टू यू मैप डॉट इंड। तो मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है, सी आउट करना है। आप अगर मेरा सेट का वीडियो नहीं देखे हो तो वो जा करके देख सकते हो, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो प्रेजेंट मतलब 1 प्रेजेंट है, लेकिन अब यहाँ पे देख रहे हैं 11 प्रेजेंट नहीं है, तो क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, देखना नहीं प्रिंट किया ना। तो ये सब मैं ऑपरेशन यहाँ पे कर सकती हूँ, यहाँ पे अपर बाउंड लोअर बाउंड सब कुछ आप यूज कर सकते हो। तो अभी आपको एक बार समझ में आ गया कि अनऑर्डर्ड मैप में या मैप में क्या डिफरेंस होता है। लेकिन एक डिफरेंस मैं और आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे यू मैप 31 में 9, यू मैप 31 मतलब की 31 है, वैल्यू 90 है। ये जो ऑपरेशन है ना, लाइन नंबर 6, ये लॉग ऑफ एन लिया है, मतलब टाइम कम्प्लेक्सिटी इसका लॉग ऑफ एन है। उसी तरह से अभी अब एक बात आपको पता है, कभी भी आप सर्चिंग ये सब ना सॉर्टेड वैल्यू में ही लगा सकते हो। तो इसमें एक बेनिफिट मिलता है कि यहाँ पे सर्च कर सकते हो। एंड सर्च करने का टाइम कम्प्लेक्सिटी भी यहाँ पे लॉग ऑफ एन है। तो ये बात आपको क्लियर हो गया होगा कि ये की प्रेजेंट है या नहीं है। एंड आपको
ऑलमोस्ट सब कुछ मैं बता रही हूँ इसमें। एंड से बहुत सारे ऑपरेशन, अदर्स ऑपरेशन होते हैं, वो आप गूगल करके सिंपली देख सकते हो। क्योंकि मैं बस आपको यहाँ पे ओवरव्यू देना चाहती हूँ मैप का, सिंपल आप अप्लाई कैसे करना है वो तो आपको खुद देखना पड़ेगा। अब चलो ना, मैं एक एग्जाम्पल क्वेश्चन करके दिखाती हूँ मैप से। तो मेरे पास ना क्या है, एक एरिया दिया हुआ है, तो मैं क्या करती हूँ, इंट ARRN है, इसको नीचे डालूँ मैं पहले। मैं क्या कर रही हूँ ना, 5-6 वैल्यू इनपुट ले रही हूँ। वैल्यू क्या ले रही हूँ मैं, देखना, पहले 5 एलिमेंट, अब क्या लूँगी, 1 1 2 2 3, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया। अब मुझे अगर ऐसा पूछा जाए कि इसमें 1 कितने बार आया है, 2 कितने बार आया है, 3 कितने बार आया है, तो इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में मैं मैप का यूज करूँगी और हमेशा क्या करूँगी, मैप ऑफ 1 को इंक्रीज करती जाऊँगी 1++ से। तो अब देखो क्या होगा यहाँ पे। अगर आपको ब्रूट फोर्स यूज करते, ब्रूट फोर्स इन द सेंस कि आप कुछ भी मैप ये सब या कुछ भी उसको ऑप्टिमाइज नहीं करते, तब क्या होता है कि इसको आपको चेक करने के लिए 1 कितने बार आया, आपको कितना ओ ऑफ एन टाइम लग जाता है। लेकिन इसको ना मैं ओ ऑफ 1 में करके दिखाऊंगी। चलो मैं लेती हूँ, चलो मैप अनऑर्डर्ड मैप ले लेती हूँ मैं, अनऑर्डर्ड मैप। अब यहाँ पे इंट लेती हूँ, इंट लेती हूँ, यू मैप ली मैं। अब यहाँ पे क्या करूँगी, पहले तो मैं इनपुट लेना है, इंट ली थी मैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, सी इन, हाँ, इनपुट लेते टाइम ही मैं क्या करूँगी, यू मैप में ना एरे ऑफ आई एंड इसमें क्या कर दूँगी, प्लस प्लस। अब देखना क्या होगा। अब मैं जैसे सी आउट करूँगी, यू मैप ऑफ 1, तो क्या प्रिंट करेगा देखना, 2 प्रिंट दिख रहा। मतलब क्या बता रहा है कि 1 जो है ना 2 बार आया है। 1 को अब 3 बार मैं करके दिखाती हूँ, 3 बार आ रहा है। तो अब क्या कर रही हो रहा है कि मैं जब इनपुट ले रही थी उस समय क्या कर रही थी कि अनऑर्डर्ड मैप में क्या कर रही थी, की बना दे रही थी वो वैल्यू को, जैसे कि एरे ऑफ आई में जो वैल्यू आया जो कि क्या है, 1 है। एंड जितनी बार एरे ऑफ आई में वैल्यू 1 आ रहा है, मैं उसका वैल्यू में ना 1 ऐड करते रही थी। तो वैल्यू में यहाँ पे 1 ऐड हुआ, 1 आया, फिर से यहाँ पे वैल्यू में 1 ऐड हुआ, फिर यहाँ पे 2 आया, फिर से वैल्यू में यहाँ पे 1 ऐड हुआ, फिर से यहाँ पे 3 आया। तो ऐसा कुछ हमारा स्ट्रक्चर बन रहा था। तो ये बात समझ में आई कैसे करते हैं इसको। ये समझ में आ गई होगी। चलो अब इसी में ना मैं 2 का बताती हूँ, 2 का क्या आ रहा है सो। 2 का वैल्यू क्या आएगा बताओ खुदा, 1 आएगा ना, देखो 1 प्रिंट किया ना, 2 का वैल्यू 1 आया। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड आने वाला टाइम में बहुत सारा मैं वीडियो लाने वाली हूँ, मैं लीट कोड का बहुत सारे क्वेश्चन का ट्यूटोरियल वीडियो बनाने वाली हूँ। सो अगर आप चाहते हो कि आपका वो सब वीडियो मिस नहीं हो, तो प्लीज़ इसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।